किंग ऑफ मासेस सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का आज है डे नंबर 7 और एक तरह से कह सकते हैं कि इम्तिहान की घड़ियां जो हैं वो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। जी हाँ, जो वीकडेज माने जाते हैं जिस पर एक ड्राई रन चलता है, कहा जाता है हर एक फिल्म को एक ड्रॉप देखने को मिलता है चाहे वो कितनी भी बड़ी फिल्म क्यों ना हो। तो इस टाइम पर आज हम थर्सडे पे बैठे हैं, आज है डेट 27th of April और कल से एक्चुअली खेल शुरू होने वाला है। ऐसी मेरी गट फीलिंग है क्योंकि जिस तरीके से मासेस ने सलमान खान की फिल्म को संभाला है और उसको इतना ऊपर बढ़ाया है, मुझे लगता है इस वीकेंड पर भी कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिलने वाला है। बहुत लोग बोल सकते हैं उस टाइम पर ईद का टाइम था, सलमान खान की फैन फॉलोइंग जो है वो ईद के टाइम पर उनको सिर्फ सपोर्ट करने आई थी, तो मेरा ये परसेप्शन कि ऐसा नहीं होता है। अगर एक फिल्म जो है शुरू में कोई फेस्टिविटी के टाइम पर चली है और उसके बाद हमने मासेस की बहुत सारी ऐसी खुद की वीडियोस देखी हैं, हमने जाकर भी देखा है कि मासेस एक्चुअली बहुत पसंद कर रहे हैं इस फिल्म को, तो मेरे ख्याल से अगेन जब वीकेंड आएगा ना तो धमाल देखने को मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको आज की एडवांस बुकिंग से दे सकती हूँ। तो देखिए, जो एडवांस बुकिंग आई है डे नंबर 7 की, उसका एक्चुअल नंबर करने वाले हैं, साथ में मैं आपको बताऊंगी रियल टाइम का कंपैरिजन कि इस टाइम पर मंडे को क्या डेटा था, संडे को क्या था, आज क्या है और इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब निकलता है इन सब बातों का। और साथ में हम लोग पूरा सिटी वाइज रिएट्रेट भी करने वाले हैं जैसे हम हर बार करते हैं, तो वीडियो कंटेंट जरूर देखेगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले बात उस स्टारडम की, सुपर स्टारडम बोलूंगी मैं, जो 4 साल के बाद आया और फिर से स्वीप ऑफ करता हुआ चला गया। मैंने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी मीम्स देखी, बहुत सारी ट्रोलबाजी देखी जो सलमान खान की फिल्म को लेकर हो रही थी, उनके लुक को लेकर हो रही थी, गानों को लेकर हो रही थी, फिल्म के कंटेंट को लेकर हो रही थी। ये एक तमिल फिल्म वीरम का रीमेक है, सब कुछ चीज़ें एक तरफ और सलमान खान का स्टारडम और उनकी मास अपील एक तरफ। सच में अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी नेगेटिविटी के बावजूद भी एक फिल्म जो है स्ट्रॉन्ग चल रही है, इट इज़ हैविंग अ रॉक स्टेडी होल्ड ऑन द वीकडेज। जो भी वीकडेज जितना भी आ रहा है नंबर, डे 5 का भी शॉकिंग लगा होगा, डे 6 का भी शॉकिंग लगा होगा कि भाई इतने बड़े नंबर से सडनली ये 5 करोड़ पर, 6 करोड़ पर कैसे आ गई फिल्म, कहाँ 25-26 करोड़ कमा रही थी। तो मैं ये बता देती हूँ कि दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल और अभी जो हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने में लग रही है वो एक्चुअली इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आज थर्सडे है, आज लास्ट कह सकते हैं वीकडे है, फ्राइडे से लोगों में फिर से वही एक्साइटमेंट देखने को मिलती है, ऑडियंस फिर से थिएटर्स की तरफ जाना शुरू करती है, अपनी फैमिली के साथ फ्राइडे इवनिंग प्लान्स बनाना शुरू करती है। तो हम कह सकते हैं कि फ्राइडे इवनिंग ऐसा टाइम आएगा जब ऑक्यूपेंसीज जो है एकदम से शूट अप करेंगी और सैटरडे संडे दोनों ही दिन मुझे लगता है फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करने वाली है। तो बात कर लेते हैं हम लोग पहले इसकी टोटल जो अभी तक हुआ है नेट कलेक्शन उसकी बात करते हैं। डे नंबर 1 15.8 करोड़, डे नंबर 2 25.5 करोड़, डे नंबर 3 संडे 26.6 करोड़, उसके बाद डे नंबर 4 अगेन इतना नीचे नहीं आया, डबल डिजिट 10.2 करोड़, डे 5 6.2 करोड़, सबको झटका, जोर का झटका ट्यूसडे को लगा। उसके बाद वेंसडे का जो नंबर आ रहा है ये भी कह सकते हैं जोर का झटका जो है लोगों को लग जरूर सकता है, मगर फिर भी मैं बोलूंगी कि वेंसडे के बाद से कहानी जो है पलटनी शुरू हो जाती है और कह सकते हैं कि फ्रॉम देयर ऑन कहानी जो है, जो फिल्म जो है वो चढ़ने लगती है धीरे धीरे। अब आज है थर्सडे, ठीक है, और कल का वेंसडे का जो नंबर आया वो अगेन 5.5 करोड़ जो था वो एक्सपेक्टेड था और 5 करोड़ पर जाकर रुक रहा है, 5.1 करोड़ पर जाकर रुकता है मामला। तो कह सकते हैं जरूर ड्रॉप है, मगर जैसे मैंने कहा कि वो टाइम अब निकल चुका है, अब ये अपने कह सकते हैं कि डेंजर जोन से बाहर आ रही है और आज थर्सडे है, आज का जो नंबर है कल से बेहतर है एडवांस बुकिंग का। तो ये एक राहत की सांस आप लोग लीजिए, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है अभी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ ये मैं मुझे एक्सपेक्टेड है कि मैं कल जब आपसे इसी वक्त एक वीडियो शेयर कर रही होंगी तो खुशी की लहर आप सब में दौड़ रही होगी क्योंकि मैं बहुत अच्छा नंबर शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी 10:30 बज रहे हैं आज के और मैं आपको एक बार रियल टाइम डेटा बताती हूँ क्या रियल टाइम एडवांस बुकिंग के हिसाब से डेटा आया है, फिर हम एक कंपैरिजन करते हैं। आज इस वक्त जो रियल टाइम डेटा आ रहा है दैट इज़ 3,27,30,933 ग्रॉस ये हो चुका है, फुटफॉल इज 1,95,902, शोज आर 12,539, ऑक्यूपेंसी 7%। लेट मी टेल यू, ये ऑक्यूपेंसी जो है ये बढ़ेगी अभी और कल का जो डेटा था रियल टाइम का जो मैंने इसी टाइम के आसपास आपसे शेयर किया था वो इसी नंबर पर आ रहा था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कल 5 करोड़ का बिजनेस हुआ है, 5.1, 5.2 जो भी इतना ही इसी रेंज में अगर बिजनेस हुआ है, आज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके आसपास का ही बिजनेस रहेगा, हो सकता है इससे थोड़ा आगे बढ़े क्योंकि एडवांस बुकिंग नंबर कल से बेहतर आया है। तो क्या नंबर आया है आज का एडवांस बुकिंग का वो बताती हूं आपको। द एक्चुअल नंबर फॉर एडवांस बुकिंग फॉर डे नंबर 7 किसी का भाई किसी की जान इज 86,70,382, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड 48,852 एंड एवरेज टिकट प्राइस इज 157। देखो एक बात हो रही थी, एवरेज टिकट प्राइस बहुत कम है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
अब जो खल रही है चीज़ वो एवरेज टिकट प्राइस ही है। कई लोग बोल रहे हैं भाई इतने कम एवरेज टिकट प्राइस की वजह से जो है फिल्म जो है अभी तक ग्रॉस में 100 करोड़ नहीं कर पाई है। लेकिन देखो अपने आप में ये इसके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। मुझे लगता है प्रोज ज़्यादा हैं, जैसे ही वीकडे आएगा अपने आप ये चढ़ जाएगा। एवरेज टिकट प्राइस के चलते ही मासेस को ये फिल्म पसंद आई है और उन्होंने अपनी फैमिलीज के साथ ही जाकर फिल्में देखी हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर कल का एडवांस बुकिंग 76 लाख थी, आज की 86 लाख है। ग्रोथ तो है, ग्रोथ तो देखने को मिली है आज थर्सडे को। सोचो कल फ्राइडे है, कल कितनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आई एम हैविंग वेरी गुड वाइब्स की भाई कल जो है हमको कम से कम 2 करोड़ तक का नंबर हो सकता है एडवांस बुकिंग में देखने को मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिएगा फिर इस फिल्म की नैया आराम से पार होने वाली है, 100 करोड़ का नंबर ग्रॉस में आ जाने वाला है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग सिटी वाइज जो हर बार करते हैं। सिटी वाइज में मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली NCR में इस वक्त देखिए जो ऑक्यूपेंसी आ रही है, शाम की ऑक्यूपेंसी जो आएगी रात की आएगी वो बिल्कुल डिफर करने वाली है। ऑब्वियसली इस वक्त का नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग के अभी शोज़ देखे गए होंगे, कल रात से जो एडवांस बुकिंग हुई होंगी वो देखे गए होंगे। तो NCR में 12.7 लाख 1194 शोज़, 1 इज हाउसफुल, 3 आर हाउसफुल फास्ट फिलिंग। मुंबई में 8.98 लाख, तो आपको बता दूं सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बुकिंग आ रही है वो दिल्ली NCR से ही आ रही है। मुंबई 8.98, 1015 शोज़, 2 आर हाउसफुल, 4 आर फिलिंग फास्ट। लेट मी टेल यू वन थिंग एज वेल, इतने सारे नंबर ऑफ शोज़ पे अगर 2-3 भी हाउसफुल आ रहे हैं इस वक्त सिर्फ रात रात में, तो भी मानिएगा कि ये अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है। एटलीस्ट जीरो तो नहीं है, एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है कि हमको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है ऐसा। तो आई हैव टू यू नो से दैट यू कैन नॉट नलीफाई द फैक्ट कि इस वक्त 1-2 हाउसफुल भी आ रहे हैं, 3-4 फास्ट फिलिंग भी आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है और ड्यूरिंग द डे ये बढ़ने जरूर वाला है। पुणे की बात करें, 2.38 लाख, 345 शोज, 0 आर हाउसफुल बट 6 आर फिलिंग फास्ट। बैंगलोर 2.96, 443 शोज, हैदराबाद 2.02 लाख, 324 शोज, 2 आर हाउसफुल। चेन्नई माई फेवरेट इन टर्म्स ऑफ द ऑक्यूपेंसी, 1.3 लाख, 10% की ऑक्यूपेंसी है 69 शोज़ पे, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ये जानते हुए कि ये एक बहुत लोग जो कह रहे थे इतनी नेगेटिविटी फैला रहे थे भैया रीमेक ये वो वट एवर फलाना ढमकाना, ऑल सेड एंड डन राइट नाउ द फिल्म इज़ अगेन ग्रिपिंग एंड स्टार्टिंग इट्स मोमेंटम, पकड़ना शुरू कर चुकी है। अब ये अपनी धीरे धीरे स्पीड जो है बढ़ाती हुई नजर आ रही है। थर्सडे इवनिंग को कहानी बदल सकती है, फ्राइडे को पूरी तरीके से कहानी चेंज हो सकती है, सैटरडे संडे को मज़ा आने ही वाला है। तो क्या आपको लगता है, और ये मुझे बताइएगा कि इस रेट के हिसाब से आपको क्या लगता है आज की प्रेडिक्शन क्या होने वाली है? मेरी आज की प्रेडिक्शन ये है कि अगर ये फिल्म आज के दिन डे नंबर 7 पर भी इसके हिसाब से 5-6 करोड़ का बिजनेस करती है तो आराम से 92 करोड़ का नेट हमको नंबर देखने को मिलता है। इस वक्त जो नंबर टोटल नेट हमको देखने को मिल रहा है दैट इज 87.17 करोड़। ओके, ग्रॉस में हम लोग बात कर चुके हैं, 135 ग्रॉस ओवरसीज वर्ल्ड वाइड सब कुछ मिला जुला के 135 करोड़ कर चुकी थी, और बात करें इस वक्त नेट की तो ये 100 करोड़ का आंकड़ा भी जल्दी से जल्दी पार करता हुआ दिखाई देता है मुझे। अगर ऐसा भी होता है तो मुझे लगता है डे नंबर 8 फ्राइडे को इस फिल्म को कम से कम 8 करोड़ और गार्नर करके 100 करोड़ तक का आंकड़ा क्रॉस करना चाहिए और सैटरडे को आ जाना चाहिए इसको डबल डिजिट्स में। दैट इज व्हाट आई विल कॉल अ सुपर हिट मूवी, ब्लॉकबस्टर भी ये हो जाएगी। मुझे लगता है यही धीरे धीरे करते करते फिल्म जो है आगे बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि मासेस मूवी है यार। ऐसे कैसे हो जाएगा कि एक सिर्फ मंडे ट्यूजडे वेंसडे के डेटा को हम लोग इतना बड़ा मान लेंगे कि ये फिल्म जो है आने वाले हफ्तों में कुछ करेगी ही नहीं? ऐसा नहीं होगा। मासेस हैं, सलमान खान के फैंस हैं, उनको हमेशा सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लगता है ऐसा क्या होने वाला है इस वीकेंड पर, सेकंड वीकेंड पर फिल्म जो है कितना बिजनेस करने वाली है? मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फैंक्शन।